नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड 2019 में किस तरह से ड्रॉ टैब का उपयोग करते हैं। यदि आप एक टीचर या कोई प्रोफेशनल हैं तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम का है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को स्मार्ट तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो ड्रॉ टैब आपके बहुत ही काम का फीचर है। ड्रॉ टैब की मदद से आप अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से पढ़ा और समझा सकते हैं और आप इसमें डिजिटल तरीके से पेन, पेंसिल और हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही उसे इरेज भी कर सकते हैं। और इस टैब में आपको कई तरीके के इक्वेशन और शेप को क्रिएट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से कोई भी टॉपिक समझा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोज़ जैसे कि MS Office, Corel Draw, Photoshop, TeleProime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके MS Word में ड्रॉ टैब आपको दिखाई ना दे तो उसे किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए आपको फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा ऑप्शन का एक ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर MS Word की कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टमाइज रिबन का एक ऑप्शन। इस वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ टैब का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर अभी चेकमार्क यहाँ पर नहीं किया गया है। जैसे ही आप इस पर टिक कर देंगे और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा ओके का ऑप्शन, आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉ टैब का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने चार ब्लॉक्स दिए गए हैं जिसमें टूल्स हैं, पेंस हैं, कन्वर्ट हैं और इंसर्ट हैं। तो इन चारों का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पेंस की। जैसे हम रेड पेन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा रेड पेन यहाँ पर एक्टिवेट हो गया और इसके बाद हम यहाँ पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर ड्रॉ करके किसी भी टॉपिक को पढ़ा सकते हैं या किसी भी टॉपिक को यहाँ पर समझा सकते हैं। इसके बाद इरेजर की मदद से आप इसे इरेज करना चाहें तो आप इसे ईजिली इरेज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर ब्लैक पेन का। इस पेन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ब्लैक पेन आ जाएगा और ब्लैक पेन की मदद से भी आप यहाँ पर सेम उसी तरीके से कोई भी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस पेन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा ड्रॉप डाउन का एक ऑप्शन। इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे पेन के कलर्स दिखाई देंगे जिसमें से कोई भी कलर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर का पेन चूज़ किया और उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो हमारा साइज़ है वो 0.5 mm का है। यहाँ से आप चाहें तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी साइज़ को रखेंगे और यहाँ पर आप इस कलर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और स्केच की तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इरेजर की मदद से आप इसमें जो भी आपने वर्क किया हुआ है वो सभी यहाँ से इरेज हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर आपके सामने यहाँ पर हाईलाइटर है जिसकी मदद से आप यहाँ पर किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस वाले हेडिंग को हाईलाइट करना है तो इसको मैं क्लिक करके इस तरीके से हाईलाइट कर सकता हूँ। तो हाईलाइटर का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा पेन ऐड करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऐड पेन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। आप कोई पेंसिल ऐड करना चाहते हैं या कोई पेन ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई हाईलाइटर ऐड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पेंसिल को लेता हूँ। जैसे ही मैं पेंसिल पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर पेंसिल रिप्रेजेंट हो जाएगी और उसके बाद आपसे यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन पूछेगा कि आपको जो पेंसिल है वो किस कलर की चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई भी कलर यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर को चूज़ किया और यहाँ से आप चाहें तो आप अपने साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला साइज़ चूज़ कर लिया और उसके बाद इसकी मदद से आप यहाँ पर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसे भी इरेज करने के लिए आप सेम इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। इरेजर को यहाँ पर सिलेक्ट करके आप जैसे इसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आपने जितना भी वर्क इस पर किया हुआ है वो सभी यहाँ पर इरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी टॉपिक को अपने एम्प्लॉयज़ को और या फिर अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं।
और इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने जो नेक्स्ट ब्लॉग है हमारा वो कन्वर्ट है, इसका किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूँ। कंट्रोल प्लस एंटर करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा और हमारा जो मैटर होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा दूसरे पेज पर। अब कन्वर्ट टू शेप का यूज कैसे किया जाता है, इसमें आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा इंक टू शेप, और दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो इंक टू मैथ है। तो सबसे पहले मैं आपको इंक टू शेप का यूज करके दिखाता हूँ। इंक टू शेप पर आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी पेन या पेंसिल सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी एंगल ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया, जैसे हम यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने ट्रायंगल की शेप रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कोई एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एलिप्स भी ड्रॉ हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर आप कोई रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने रेक्टेंगल भी यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपको उस शेप में कन्वर्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इंक टू मैथ का। इसको जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे सामने मैथ इनपुट कंट्रोल का एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर मैथ का इक्वेशन क्रिएट हो गया। इसको सेलेक्ट करके जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वो इक्वेशन यहाँ पर हमारे सामने इंसर्ट हो जाएगा और इस इक्वेशन का मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इस बॉक्स पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स मेरा सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू देना चाहूँ वो वैल्यू यहाँ पर इजीली दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन, किसी भी तरीके का इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस बॉक्स की मदद से। हम वापस से चले जाते हैं ड्रॉ टैब के अंदर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्राइंग कैनवास। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर ड्राइंग का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हम किसी तरीके की कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई पेंसिल या पेन का यूज़ किया और इसकी मदद से हम यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद अगर मुझे इसको इरेज करना है तो मैं सिंपली इरेजर का यूज़ करके मैं इसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। यानी आपको एक पार्ट मिलता है जिसके अंदर आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का कोई भी क्रिएशन यहाँ पर कर सकते हैं या किसी को आप कोई भी क्रिएशन करके समझा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने MS Word में ड्रॉ टैब का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।